कि इंसान उसके कोल जान वास्ते डरता सी, लेकिन आज वो भी मिट्टी दे विच मिट्टी हो गया ने। आज उन्हां दा नाम लैण वाला कोई नहीं। ये गल्लां सिर्फ मैं जे तुहानूं समझा रहा महफिल दे करन दा मकसद यही हो गया कि असी आखरत दी फिक्र रख के बैठे। जगह जगह मिलाद होंदा है, ते मिलाद दे हवाले दे नाल इंशाअल्लाह गल्लां अर्ज करनियां ने। वक्त दे लिहाज नाल इंशाअल्लाह वक्त तां 4:15 बजे तक है, 3 बजे तक 1.25 घंटा इंशाअल्लाह 1.25 घंटा दे अंदर मौजूद अगे चलाना है, ते नाल नाल तुहाडी इस्लाह भी करनी। तुसी बुजुर्ग जे, मैं भी इस उम्र च पहुंचा बैठा, असी वेख्या है कि असी दुनिया के जिस मेले विच जाइए ना, जिते पहुंच जाइए मौत ने सानू नहीं छड़ना, मौत उत्थे भी आ जाए। तो बेहतर इहो ही है कि मौत ने आना है तो मौत की पहले तैयारी कर लो। दुनिया की दौलत इत्थे रह जानी, सब कुछ इत्थे रह जाना। दोस्ता अगर तेरे नाल जाना है तो तेरे अकलां ने तेरे नाल जाना है, जो दुनिया से तू करके जाएगा। सानू मिलाद भी वो सबक देता है, महबूब का फरमान भी यह सबक देता है, कुरान भी यह सबक देता है। हर मौलवी, हर आलिम, हर मुबल्लिग, हर पीर यह सबक देता है कि आखरत की फिक्र कर। असि की करने हैं, एक उस्ताद ने बच्चे को ना नसीहत की कि बच्चा ये काम नहीं करना। तो बच्चे ने की काम किया, उस्ताद की नसीहत सुन ली। तो कई दिन बाद जब उस्ताद ने वेख्या कि जेडे काम तो रोकता सी वो ही काम करता गया, तो उस्ताद ने फिर बच्चे को बुलाया, तेनों मैं जो रोकया सी तो ये काम नहीं करना, तो तू मुड़ो करना पिया। आता उस्ताद जी, अल्लाह ने दो कान कादे वास्ते दिते, दो कान कादे वास्ते दिते। उस्ताद ने कहा, तू दस कादे वास्ते अल्लाह ने तेनों दो कान। आता इधरों सुनिया तो इधरों कढ दिता। बस गल इदा कि वो हाल ना करो, जो गल करा तो कोशिश करो कि अपने जहन के अंदर उसको बिठा दो, और ये थोड़े हर कदम से फायदा देवे। हर लिहाज, हर माहौल, हर जमाना, हर साल, हर वक्त जो तुम इस गल को अपनाओगे, उम्मीद है कि तुम कुछ ना कुछ फायदा जरूर दे। तो मैं चाहना मोहब्बत नाल, ज़ोर शौक नाल एक बार आका दी ज़ात ते दुरूद सलाम पढ़ो, तो मैं अपनी हाजिरी पेश करा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबी इत्तेहाम व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम व सल्लम अलैहि। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى
ربك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت جلال راجك بلغ العلا بكفاله پہنچ سر عرش علا کشف جام جمالی پورا ملک میں غل مچا حسنت جمیع حسانی خود آپ خالق نے کہا صلو علیہ وآلہ یا رب صلی وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم. كفي عوده بعد محل يا رسول الله. يا غريبات محل يا رسول الله راك Oh, no, 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 no.
बंदे चाहते ने कि असि अल्लाह दे नाल प्यार करिए। इन्हा लोगों को अपनी उम्मतियां नू ए फरमा दियो कि अगर तुसी चाहते हो कि असि अल्लाह दे नाल प्यार करिए, मोहब्बत करिए, फिर पहली शर्त ए है कि तुसी की करो, फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह दे महबूब दे नाल प्यार। पहली शर्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दसी कि अगर तुसी जानते हो ना तुहाडे उते रब राजी हो जाए, तुसी जानते हो कि अल्लाह पाक साडे उते राजी हो जाए, सब तो पहले गल रब ने फरमाई, शर्त रखी कि अगर तुसी जानते हो कि तुहाडा रब तुहाडे उते राजी हो जाए तो फिर की करो, अपने महबूब दे नाल की करो, प्यार करो, अपने महबूब दे नाल की करो, प्यार करो। मेरी गल मैं सादियां लफ्ज़ां दे तुहानूं पहले समझावांगा, फिर मैं अपने ज़ोर दे विच अगे इस गल नूं लै के जावांगा। रब फरमांदा है कि अगर तुसी चाहुंदे हो कि रब तुहाडे नाल प्यार करे तो तुसी वी रब दे नाल प्यार करो। रब दी पहली शर्त है कि रब दे महबूब दे नाल तुसी की करो, प्यार करो। हुण प्यार किस तरह कीता जांदा है, मुहब्बत किस तरह कीती जांदी है, ਇਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸਜਾਇਆ ਨਾ, ਘਰ ਸਜਾਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਐ ਨਾਸਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਸਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਜਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਿੱਪਲ ਪਾਰਟੀ,
एक गद को गुजर होता है उन शेर का झंडा लगा हुआ हो तो समझ जाएगा कि यह शेर आला है इन को जाइए तो सू कुछ हासिल नहीं होना, कुछ हासिल नहीं होना। तो बेहतर यह कि अस अगे चले जाइए। कोई पीपल पार्टी का झंडा लाता है, कोई जरा अपना बल्ले वाले का झंडा लाता है, कोई शेर का लाता है, कोई अपनी पार्टी का लाता है। और निशानियां है हम एक नवाज शरीफ की पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी पहुंच जाए जो नवाज शरीफ वाले ने वेखना है आखने ये तो बंदा ही गलदार है कि साड़ी पार्टी का हो गया दूसरी पार्टी गया खड़ा है। तो मैं गल समझाना यह चाहना कि याद रखियो कि असी सारा कुछ ये हासिल इस बनाने जरा सजाने है अगर साडे महबूब और मुहब्बत ना हो सारा कुछ बेकार है। मुहब्बत की है कि असी नमाज पढ़िए महबूब की मुहब्बत है, वालिदैन की खिदमत करिए महबूब की मुहब्बत है, कुरान की तिलावत करिए महबूब की मुहब्बत है। पता यह चलिया कि असी घर से जाइए ये निशानी है मुहब्बत नहीं है। मुहब्बत उदो होगी जिसका जिक्र महबूब ने किया होगा, महबूब ने जरा अमल किया अमल करेंगे तो मुहब्बत कहलाएगी, महबूब ने नमाज पढ़ी असी नमाज पढ़ा तो मुहब्बत कहलाएगी, महबूब ने कुरान की तिलावत की असी कुरान की तिलावत करा तो मुहब्बत कहलाएगी, महबूब ने बड़े छोटे लाला को इत्राम दसिया असी इस तरह करा तो मुहब्बत कहलाएगी। ये सारा कुछ ये निशानियां ने, मुहब्बत उदो होगी जब असी महबूब के नक्शे कदम पे चला नमाज ना पढ़िए सारा कुछ करिए बादशाह मैदान जो असं कट्ठे होना ना सारे ने तो फरिश्ते ने आखना है इस बंदे नु साइड ते कर दे। ओ क्यों असी ते आपा घर सजाया सी झंडे लाए सी रब फरमाया है तो निशानियां सन महबूब के तरीके दे ना नहीं ना चलिया इनू साइड ते कर दो। पता है चलिया कि जेड़ा महबूब दे नाल प्यार करता है वो महबूब दे तरीके नू अपनाएगा तो फिर महबूब दे नाल मुहब्बत होगी। रब इसी चीज का दर्स देता है, रब फरमाता कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अच्छा रब ये तो असी नमाज पढ़िए चलो महबूब की मुहब्बत की निशानी है, असी कुरान की तिलावत करिए महबूब की मुहब्बत की निशानी है, असी वालिदैन का आदब एहतराम करिए महबूब की मुहब्बत की निशानी है, असी छोटे वड्डे का आदब एहतराम करिए महबूब की मुहब्बत की निशानी है, असी अपने पड़ोसियों का ख्याल करिए महबूब की मुहब्बत की निशानी है, असी जड़ा है हमेशा बुराई तो बचते रहिए ते नेक अमल करते रहिए महबूब की मुहब्बत की निशानी है। या अल्लाह तेरे महबूब के नाल फर्ज किया मुहब्बत कर बैठे तो फिर सानू हासिल की होएगा, महबूब के नाल प्यार किया तो सब हासिल की होगा। उसे कलंदर लाहौरी बोलिया कहता है क्यों मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। रब फरमाता है कि जब तू महबूब के नाल प्यार करेगा फिर रब फरमाता मैं ही तेरा पूरी कायनात ही दे। और रब फरमाता है महबूब के नाल प्यार करने वाला क्योंकि रब फरमाता असी अज घर घर मिलाप करने हैं घर सजाने हैं ये निशानियां ने मुहब्बत नहीं हकीकत मुहब्बत वो होगी जो सुबह का वक्त होगा उठ के नमाज की तैयारी कर नमाज पढ़ ये महबूब के नाम मुहब्बत करने वाला आना है। सुबह का वक्त हो वजू कर वजू की नमाज पढ़ ये महबूब को मुहब्बत करने की निशानी है। इसी तरह असर की नमाज पढ़ मगरब की नमाज पढ़ इसे भी पढ़ फिर उसके बाद वालिदैन की खिदमत कर कुरान की तिलावत कर नेक अमल कर बुराई तू बचता जा और नेक अमल करता जा। अल्लाह तबारक व तआला ने झंडे लाए जेडे असीं झंडे लाए ने ना
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी झंडे लाए। झंडे क्यों लाने, आखिर की मकसद से रब दा की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम को हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम आए, रब फरमाया महबूब आ गया दुनिया पे, ओदा कर के तीन झंडे लाए जा, जा के नाल या अल्लाह कितने लावा। फरमाया पहला मशरिक चला, दूजा मगरिब चला, तीजा काबे की छत पे ला। तीन झंडे, तवज्जो दे नाल बड़ा कीमती जुमला दसना चाहा। किन्ने झंडे लगे? किन्ने? तीन झंडे। पहला कितने लगा? मशरिक, दूसरा मगरिब, तीसरा काबे की छत पे। या अल्लाह क्यों लगाया नहीं, क्यों लगाया नहीं, इनकी जरूरत की सी? खुदा अल्लाह वाला कोई शायद फरीद जात है, इनकी जरूरत की सी? मैंने दौड़े सलोड़े भी आंदे हैं ना, थोड़ा सिर को पहले समझा रहे हैं ताकि तुम्हारे जहन में कोई गल्ला बैठ। ये अमल दिन नहीं आए साढ़े वटे वटे जवान असी देखे दे अपने हथा दे नाल दफना दे आ। ओ ये हुन दस के गए ने बेलिया, मैं भी जा रहा कुछ दूर नहीं आना, आज अमल की दुनिया अमल करो। मैं सिर्फ गल्ला तुहानू समझा रहा पहले अपने तरीके नाल ताकि तुहानू समझ आवे या अल्लाह एक झंडे लावण दी की जरूरत सी। हुण मैं तुहानू इसका मसला भी दसना, हल कीती जावा ताकि तुहानू समझ आ जाए। रब फरमांदा है मशरिक चलाया ते मगरिब चलाया, मशरिक तो मगरिब ए पूरी कायनात मैं रब ने मुहम्मद नु अता करा। सुभान अल्लाह, पूरी कायनात मैं रब ने मोहम्मद को अता कर छड़ी, इसी वजह तो झंडे मशरक से मगरब ला छे। या अल्लाह जब एक समझ आई कि खाने काबे को क्यों लाया, रब फरमाता है बेशक खाने काबे वाले तू मुंह करके नमाज पढ़ना है, तेन ये दसना चाहना जिस दिन तरफ तू मुंह करना है वो खाना काबा ही मोहम्मद है, वो खाना काबा ही मोहम्मद है। वो दूर दूर तेरे घर के अंदर एक दरवाजे के ऊपर लगा हुआ झंडा नबी पाक सरकार दे मिलाद वाला, दूर के बंदा पहचान लवेगा एक मुसलमान दा घर। ये कहता है मुसलमान दा घर है। इस दुनिया के अंदर 400 मजाए हैं, 400 हर इंसान का अपना अपना मजा, कई फिरके ते मजा पा रहे थे, और उन विचों पहचान अगर करनी हो मुसलमान भी पता चल जाता है जिस दे घर पे नबी पाक सरकार की नालायक मुबारक दा या मिलाद झंडा लगा हो दूर से बंदा पहचान लगेगा कि नबी पाक सरकार दे गुलाम दा घर। अल्लाह तबारक व तआला फरमांदा है इसी वजह को ये पूरी कायनात मोहम्मद अरबी दिए, और जिस तरह तू नमाज पढ़ के नमाज पढ़ना है खाने काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है खाना काबा ही मोहम्मद है। नबी पाक सरकार दे बुलादे तो बस आदत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे आए, आए तो लौंडी चलदी चलदी दौड़दी दौड़दी खाने काबे चली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे का तवाफ कर रहे हैं, रात जाने पे तो सुबह आते पे, जब वो लौंडी दौड़ती दौड़ती आई ना अब्दुल मुत्तलिब देखो आके खुशखबरी सुनाई, क्या अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मुबारक हो, तेरे बेटे अब्दुल्ला ने घर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सोना लाल आता। जब लौंडे आई खुश खबरें सुनाई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया अपना हाथ अगे कर, हाथ अगे कीता लौंडे ने, फरमाया इस खाने काबे दे गिलाफ नु पकड़ ले। जब खाने काबे दे गिलाफ नु पकड़िया हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाया कसम जब लाए इस खाने काबे दे गिलाफ दे मैं सच सच गल दसनी है। आए परेशान दा सरदार, मक्का दा सरदार, मैं तेनू
पूरे नौजवान तेरा बेटा अब देता है और मैं तेन ये भी दसना चाहना साफ साफ ये भी तेन दसा ताकि तेन पता लग जाए पूरे मक्का के अंदर तेरे बेटे अब्दुल्ला रंगा कोई से लेकिन जब मगर मैं जानिया पूरी कैनात फिर के लिए पूरी कैनात विच बेशक इस बच्चे वर्गा पूरी कैनात विच इस बच्चे वर्गा पूरी कैनात अंदर कोई खूबसूरत नहीं मेरे देश के बुजुर्ग अल्लाह करीम ने महबूब अल सलात सलाम की तशरीफ फरमाई है अल्लाह करीम ने फरमाया है झंडे बुला बुलाए और मालिक ने कायनात ने जिब्राइल अल सलात सलाम ने भेजा अम्मा अम्मा आमना के घर आए और जब हजरत अम्मा आमना के घर जिब्राइल अल सलात सलाम की बारात आई जिब्राइल अल सलात सलाम ने बुलाया सलाम की तशरीफ लेके आए।